बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, आज बनाते हैं हम चिकन। और चिकन ये इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी से बनाएंगे, मेहमान अगर आ जाए फ़ौरन से बन जाए। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स में चाहिए, मैंने इसमें ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून, ये गोल बूटी है तो 5 से 6, ये डाले हैं 2 सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टी स्पून, गर्म मसाला 1/4 टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, धनिया 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, नमक हसबे जायका मैंने 1/2 टी स्पून लिया, और कलौंजी के कुछ दाने और ज़ीरा 3 चुटकी। ये टमाटो पेस्ट बनाया है 3 टमाटर का और 1 अनियन का पेस्ट। तो चलें जी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये ज़ीरा, इससे थोड़ी सी फ्रेग्रेंस आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये डाल दिया हमने ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं ऑयल ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ, मैंने पहले ही बताया बहुत हेल्दी ये ऑयल होता है। चलें जी, ज़ीरा की हम ऑलमोस्ट दरमियानी ये हमने फ्लेम रखी हुई है, इसमें अभी ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई होता है, जब उसकी हल्की सी फ्रेग्रेंस आती है तो हम इसमें पहले डाल देंगे चिकन। ज़ीरा हमारा भून रहा है, ये आवाज़ शूं शूं की आने लग पड़ी है। इससे पहले पहले हम सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दरमियानी जो अनियन थी उसका पेस्ट बनाया था, ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु मसल्ली अला सय्यिद। ये हमने कलौंजी डाल दी, दरूद पाक पढ़ के इससे बरकत होएगी। ये हमारा जी खाना भुन रहा है, प्याज थोड़े से बस, ज़्यादा पिंकिश पिंकिश होएंगे ना तो हम इसमें चिकन को डाल देंगे। ये प्याज पिंक पिंक हो गया, अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम भुनाई कर चिकन को भूनने के बाद इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्लो कर देंगे और थोड़ी देर इसकी भुनाई कर देंगे। ये हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है, अब इसमें हम ग्रीन चिल्ली डाल देते हैं और उसके बाद तमाम मसाला डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले डाल के हमने थोड़ी सी भुनाई कर ली, अब हम एंड से इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून देंगे। ऑलमोस्ट 2-3 मिनट के बाद भूनने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए, चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जनाब हमारा सालन तैयार है, अब आपकी मर्ज़ी है आपने कितनी ग्रेवी रखनी है। शोरबा रखना है, मैंने थोड़ा सा शोरबा रखना है,
थोड़ी देर और सुखा लें। अल्हम्दुलिल्लाह से ये बन गया हमारा सालन चिकन वाला, और इस पर हम धनिया डाल के इसको डन कर देंगे। ये जी हमने धनिया बना डाल दिया और हमारा सालन तैयार है।